बारिश लग पड़ी है दोस्तों, तो हमने जो है मैंने भी फटा हुआ सारा सा रेनकोट लिया था, जो फट चुका है। ओम नमः शिवाय। बारिश में लोग थोड़े से रुक चुके हैं। ये स्थिति है यमुनोत्री की, आप देख सकते हैं। यमुनोत्री रह गया 1 किलोमीटर दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये रहा स्वच्छता कर्मचारी हमारे भाई, डटे हुए हैं। इस तरह से जो है क्राउड आप देख सकते हैं, क्राउड ऐसे लोगों का नहीं है, अगर लोग ही चलें तो कुछ नहीं, लेकिन घोड़ों और पालकियों की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है इस ट्रैक में, क्योंकि बड़ी समस्या है कि जो पालकी वाले आते हैं वो देखते ही नहीं है किसी को सीधा, और लोगों को वो चढ़ा देते हैं। बारिश से थोड़ा सा यहाँ का मौसम तो ठंडा ही है, चिल है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा स्थिति बना देता है, कई बार खतरा भी रहता है यहाँ तो। ये है लगातार लगी हुई, और थोड़ा सा हम अपना को सुरक्षित कर रहे हैं। ये देखिए यमुनोत्री की दूरी जो है 500 मीटर रही है, और हमने पूरा ट्रैक जो पैदल यहाँ तक किया, बड़ा अच्छा सब कुछ है, बढ़िया प्रबंध है। अगर आप पैदल आ सकते हैं पैदल ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि बड़ा आसान ट्रैक है, कोई टफ ट्रैक नहीं है, और ज़रूर इस ट्रैक का एंजॉय लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। हर हर महादेव। ये देखिए जबरदस्त व्यू यहाँ का, हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। बर्फबारी, ये बर्फबारी चुके हैं। वाह, क्या बात है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। वाह जी वाह, फर्स्ट। दोस्तों बिल्कुल जो है मंदिर के पास बने वाला, और यहाँ से जो है उतराई भी लग पड़ती है, जो चढ़ाई का वो था, और ट्रैक खत्म हो चुका है, और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा ही मस्त ट्रैक रहा, एंजॉय किया मैंने तो। लोगों ने तो यहाँ पर टफ लग रहा, लेकिन मुझे, मेरे लिए टफ बिल्कुल नहीं था। ये देखिए हाल बेहाल, राकी भाई चलो भाई, चलो चलो चलो, महादेव। तो इस तरह से जो है यमुनोत्री धाम मैं पहुंचने वाला हूं। ये देखिए आपके सामने यमुनोत्री धाम। ओ चलो, ये रहा गेट यमुनोत्री धाम। यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है, बड़ी खुशी मिलती है जब अपने लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं। तो ये रहा सामने, अरे
ये देखना सुंदर यहाँ का व्यू और सुंदर यहाँ स्थान के होगा भी क्यों ना, जहाँ पर यमुनोत्री धाम के दर्शन आप सब के लिए। दोस्तों थोड़ा सा ही रहा है 5 मिनट का रास्ता और मैं जो बिल्कुल एंजॉय करता हूँ यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस ब्लॉग को फुल देखें, पूरा देखें और सहयोग करें। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस टाइम में आ सकते हैं, बस आपका पंजीकरण होना चाहिए, बाकी आपको कोई असुविधा नहीं रहेगी। बड़ा ही अच्छा ट्रैक है, बड़ा ही नॉर्मल ट्रैक है, कोई टफ नहीं है, लेकिन लोगों को टफ लगता है वो बात अलग है।